बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर अर्न। आई एम मोहम्मद वसीम, वसीम कंप्यूटर एकेडमी की जानिब से इन पेज उर्दू की वीडियो नंबर 5 के साथ आज दोबारा हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने इन पेज में अपने कीबोर्ड को कैसे सेट कर सकते हैं। अगर आप उर्दू कीबोर्ड को सेट करना चाहते हैं या कोई और कीबोर्ड सेट करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कीबोर्ड सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज आपको मिल सकें। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इन पेज को ओपन कर लेते हैं। इन पेज को ओपन करने के बाद आपने हम चले जाते हैं फाइल बटन पे और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने न्यू फाइल क्रिएट कर ली। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपना नेम लिखना चाहता हूँ वसीम। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने डब्ल्यू टाइप किया, डब्ल्यू की जगह आना चाहिए वाओ डब्ल्यू की जगह आना चाहिए, लेकिन ये दूसरा वर्ड आ गया। इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड सही नहीं लिख रहा। तो इस कंडीशन में आप कीबोर्ड कैसे सेट कर सकते हैं, उर्दू कीबोर्ड कैसे सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे चले जाना है, एडिट मेन्यू में चले जाना है। जैसे आप एडिट मेन्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक और मेन्यू ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपने नीचे एंड पे आना है प्रीफरेंसेस पे। प्रीफरेंसेस पे आने के बाद आपने आगे आना है यहाँ पे कीबोर्ड प्रीफरेंसेस में। तो जैसे आप कीबोर्ड प्रीफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा कीबोर्ड प्रीफरेंसेस का। इसमें सबसे पहले हमारे पास कीबोर्ड की सेटिंग आ जाती है कि आप कौन सा कीबोर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप ये जो हमारा एरो का डाउन बटन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जितने भी इसमें कीबोर्ड हैं इन पेज में वो हमें शो हो जाएंगे। तो जो उर्दू लिखने के लिए कीबोर्ड यूज़ होता है वो फोनेटिक कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं, जिसमें बिल्कुल कीबोर्ड के मुताबिक आप उर्दू लिख सकते हैं आसानी के साथ। और इसी तरह अगर आप कोई और कीबोर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, फारसी करना चाहते हैं या अरबिक लिखना चाहते हैं, कश्मीरी सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर और भी कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं। आप यहां से जो कीबोर्ड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहां से आप वो कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहां से फोनेटिक कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसका व्यू देखना चाहते हैं कि फोनेटिक कीबोर्ड किस तरह है, इसके कहां किस से बटन से कौन सा लाभ शो होगा, तो उसके लिए आपने फोनेटिक कीबोर्ड व्यू पर क्लिक करना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू ओपन हो जाएगा। और अगर आप सिंधी कीबोर्ड इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल सिंधी पे क्लिक करेंगे तो सिंधी ज़बान आपकी इनेबल हो जाएगी। और अगर आप पश्तू को करना चाहते हैं तो इनेबल पश्तू पे क्लिक करेंगे तो आपकी पश्तू लैंग्वेज भी इनेबल हो जाएगी। तो इसे फोनेटिक को सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अब ये दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल ही कीबोर्ड के मुताबिक हमारी उर्दू टाइप हो रही है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने इन पेज में उर्दू कीबोर्ड को कैसे सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस कोर्स पे अगली क्लासेस भी जो हैं वो आप देख सकें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में जिसमें मैं आपको टेक्स्ट रिबन बार पढ़ाऊंगा। ये जो हमारी होती है ये टेक्स्ट रिबन बार होती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आप अगला लेक्चर भी देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।